सो जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है मेंस का आपका आंसर राइटिंग वाला, उसमें हम GS2 का जो आपका गवर्नेंस वाला पोर्शन है उसके टारगेट एरियाज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टारगेट आपका सिलेबस क्या है, आज के टॉपिक्स क्या है, कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस में, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी जिसके ऊपर एक सवाल देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही RTI एक्ट जो है आपका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। देन कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, वर्क कल्चर, चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर, एक क्वेश्चन हमारा इस एरिया से हम डील करेंगे आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो आज का हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट is a path-breaking legislation which signals the march from darkness of secrecy to dawn of transparency. What is the significance of the act? Elaborate. तो आपका keyword क्या है? Elaborate. Directive word क्या है? Elaborate. तो directive word क्या suggest कर रहा है कि आपको जो है basically इस statement में RTA Act के बारे में बात हुई है, तो उसके ऊपर आपको जो है detail में बताना है कि क्या ये act है, कैसे ये better कर रहा है ओपननेस को, कैसे ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट कर रहा है, एंड इसके क्या भी जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी एक्ट के प्रावधान हैं, वो आपको जो है इसमें लिस्ट आउट करने हैं, दैट हैज टू बी यू नो बेसिकली स्पेल्ट आउट इन डिटेल। सो कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हम एक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मर US प्रेसिडेंट जेम्स मेडिसन ने कहा था कि अ पीपल हु मीन टू बी देयर ओन गवर्नर्स मस्ट आर्म देमसेल्व्स with power that knowledge gives. So, इसको हम क्यों यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि देखो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, या हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो कैसा है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है, और इसमें हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ द पीपल की, है ना, डेमोस प्लस क्रेटोस की जो बात करते हो कि रूल ऑफ द पीपल themselves, although through the representatives. तो अगर जो रूल ऑफ द पीपल है वो होना है, तो उसमें हम अगर अपने खुद की गवर्नर्स होना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत जरूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो, हम उस चीज से अपने आप को आर्म करें, हम अपने आप को उससे जो है आर्म अप करें, एंड वी बिकम द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, और वी कैन से वी फुली चेरिश अवर डेमोक्रेसी। फिर नॉलेज इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच लाइज इन द पब्लिक डोमेन, जिसके थ्रू हम बिल्ड कर सकते हैं कि हम RTA की जो है बात यहाँ पे करना अब स्टार्ट करेंगे, कि हमने बेसिक एक बिल्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कम वर्ड्स में जो है 20 मार्क करनी है, कम वर्ड्स में आपको बताना है, तो आप थोड़ा सा ऐसे बिल्ड कर सकते हो अपने आंसर पे। फिर देखो ओपननेस से स्टार्ट कर सकते हैं कि देखो इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है ओपननेस से, और ओपननेस हमें चाहिए सरकार में, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हम डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी किससे रिलेट करेगी, ओपननेस, लेकिन ओपननेस किस में, ओपननेस सभी जहां पे पब्लिक पावर एक्सरसाइज हो रही है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, या फिर जुडिशरी हो, राइट। सो इट इज अ कल्चर विच नीड्स टू बी नर्चर्ड विद प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बीइंग एन एक्सेप्शन। तो आप बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर अगर कोई बात प्राइवेट रखी जा रही है तो वो सिर्फ एक एक्सेप्शन हो सकती है, इट कैन नॉट बी द नॉर्म। व्हाट इज द नॉर्म, व्हाट हैज टू बी द नॉर्म, द नॉर्म हैज टू बी ओपननेस विच हैज टू बी नर्चर्ड। Then RTA के इसके बारे में बताएंगे कि it is a legislation that lights up the mindset of public authorities which is clouded by suspicion and secrecy, कि ये जो है light up कर रहे हैं उनके पहली बात तो mindset को, कि वो जो है actual में accept करें कि हमें जो है openness को ध्यान में रखते हुए या फिर open तरीके से काम करना है। Then it is a powerful means for fighting corruption and its effective implementation can create an environment of vigilance which will help promote functioning of a more participative या फिर participatory democracy. देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे या फिर हम एक चीज और एग्जामिनर को बोलेंगे कि हमारी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तक ही पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए ना, या फिर हमारी डेमोक्रेसी इट शुड नॉट लिमिटेड सेल्फ टू अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट शुड ट्रांसलेट इटसेल्फ इनटू अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और जो स्टेटमेंट की क्वेश्चन की ओपनिंग लाइन थी वो हिंट दे रही थी कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास नॉलेज का होना, इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज का होना जरूरी है, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन गिव द ओपनिंग। देन आप बताओगे भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्ट के, एम्पावर करना सिटीजन को, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना, करप्शन को लिमिट करना, एंड एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देन यू मे मूव टू
दैट के इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा आप इस टेक्निकल एस्पेक्ट को भी लिस्ट आउट कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो किसी भी रिकॉर्ड में हो, तो वो सारी जो है यहाँ पे शेयर करना जरूरी होगा। कौन शेयर करेगा? पब्लिक अथॉरिटी जो है वो शेयर करेगी, एक्सेस बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। तो आप बताएंगे देखिए पब्लिक अथॉरिटी क्या है, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एनी लॉ या फिर एनी नोटिफिकेशन। तो ये आप बताओगे तो आपका एक एस्पेक्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एक्ट के प्रोविजन का। फिर आप बढ़ोगे टूवर्ड्स के, आप देखो इसको हम एक कंक्लूड पॉजिटिव नोट पे करेंगे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नेंस में, क्योंकि वी नो दैट गवर्नेंस इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस, और वो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन की ओपनिंग स्टेटमेंट थी वो बात कर रही थी कि हम जो है बात करें कि सभी लोग जो हैं वो इस प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करें एक तरीके से। ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड दैट सेज दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड सर्टनली स्पेशली द सिविल सर्वेंट्स और द पब्लिक अथॉरिटीज या फिर कह लो पब्लिक सर्वेंट्स सिविल सर्वेंट्स दे शुड सी द एक्ट इन द पॉजिटिव स्पिरिट के इन्फॉर्मेशन को ओपनली शेयर करना, अकाउंटेबल बनना, ट्रांसपेरेंट बनना जो है वो जरूरी है। और ये एक एक्ट जो है वो सरकार को पैरालाइज करने के लिए नहीं है, बट रादर इट इज फॉर इंप्रूविंग द गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस, राइट, रिजल्टिंग इन वॉट, रिजल्टिंग इन अ फ्रेंडली केयरिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर द गुड ऑफ द पीपल। सो दैट इज हाउ यू मे कंक्लूड द आंसर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अकाउंटेबिलिटी। रिलेटिवली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 4 marker 60 words। तो सिंपल सी आप अकाउंटेबिलिटी को बताओगे कि देखो पहली बात तो इट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज कि ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है ऑफ दोज हु आर होल्डिंग पावर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी वो काम कर रहे हैं एंड टू बी हेल्ड आंसरेबल फॉर देयर बिहेवियर एंड एक्शंस, कि जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं या फिर मान लो इसमें हम बोल सकते हैं वॉट एवर द एक्शंस एंड इन एक्शंस आर फॉर यू नो विच द पीपल हु आर सिटिंग इन पावर दे आर taking or the power the way they are exercising the power, right? Then moving towards the body, hum accountability ko yahan pe thoda sa explain karenge ki it is a correlative concept. Iska concern jo hai wo kiske sath hai, in the relationship between do logon ke beech mein, ek to jo power exercise kar raha hai, dusra jiske upar wo power exercise kar raha hai, between those that perform an action or deliver a service and those on whom the service has an effect. तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे यू हैव दी एग्जीक्यूटिव, राइट, एंड हियर यू हैव दी पीपल ऑन हूम द एग्जीक्यूटिव और द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सर्विस डिलीवरी बाय द एग्जीक्यूटिव इज हैविंग एन इम्पैक्ट। सो दैट विल गिव यू अ ओपनिंग प्रीमाइस। देन देयर आर टू क्रिटिकल एलिमेंट्स टू एक्चुअलाइजिंग दिस नोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे देखो दो बातें आएंगी, पहला कि किसके तरफ अकाउंटेबिलिटी, हु शुड बी अकाउंटेबल टू हूम एंड किस चीज के लिए, फॉर वॉट। तो ये दो मेन एस्पेक्ट आएंगे पहले एलिमेंट में। दूसरे में आएंगे कि इट इज यू नो सेकेंड इज दैट ऑफ डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। कैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, किस लिए, कि भाई दैट देयर इज एन इंसेंटिव फॉर स्ट्रक्चर फॉर सैंक्शंस, देयर इज एन इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर सैंक्शंस एंड रिवॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटेबिलिटी इज रियलाइज्ड। कि अगर जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, दे आर बीइंग अकाउंटेबल एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल, then they should be rewarded, they should be incentivized, and if they are not performing well, they are not being accountable, then they should be punished or there should be any punitive measure, right? So ye aap yahan pe batayenge clearly, then isko conclude karenge kyunki 4 marker hai, to aap ispe bologe dekho answerability jo hai accountability mein kya hai, isliye there is an answerability element, kis cheez ka, the need for justification of actions। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वी ऑल नो इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट प्लस ऑब्वियसली द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन वील्डिंग ग्रेटर पावर एंड हेंस आंसरेबिलिटी वाला एलिमेंट इनमें होना चाहिए कि इनकी जवाबदेही जो है वो तय की जाए, एंड एन एनफोर्समेंट एलिमेंट, कि एक तो हो गया जस्टिफिकेशन अपने एक्शन के लिए, दूसरा है कि उसको इन्फोर्स करवाया जाए अगर कहीं पे ये चूक रहे हैं तो, राइट, द सैंक्शंस कैन बी इम्पोज्ड इफ एक्शंस और जस्टिफिकेशंस आर जज्ड अनसैटिस्फैक्टरी। सो दैट इज हाउ यू मे कंक्लूड द आंसर, कि भाई देखो अगर जो है जस्टिफिकेशन नहीं आ पा रही है फॉर वट एवर एक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड और देयर इज नॉन अकाउंटेबिलिटी, देन सर्टनली देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ यू नो एनफोर्सिबिलिटी, आल्सो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ सर्टन प्यूनिटिव मेजर्स
enforceability of certain such kind of you know make it such certain provisions which are imposing some penalty or punitive measure on the people who are not who are you know not being accountable to the citizens. ठीक है जी, तो ऐसे आप इसको जो है एक नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं. 4 marker था तो रिलेटिवली इसलिए हमने कम ही इसमें एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपका जो है टारगेट कर रहा है वो है व्हाट हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फोर्थ रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस हैज टू से अबाउट कोड ऑफ एथिक्स एंड अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो आपके जो ARC की 4th रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, उसमें कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट के बारे में पूछा गया है. 8 marker है, दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा, दोनों ही पॉइंट्स को लिस्ट आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आपने रिपोर्ट के पॉइंट्स को पढ़ा हुआ है तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, रिलेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन है. सो पहली चीज इंटर में क्या बताओगे कि जो ARC है इसने क्या एग्जामिन किया है कोड ऑफ कंडक्ट इन अदर कंट्रीज एंड इज ऑफ द व्यू के कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स जो है हमारे मिनिस्टर्स के लिए पब्लिक सर्वेंट्स के लिए होना चाहिए, जिसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि मिनिस्टर्स जो है वो हाइएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करें, जो कि देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखा जाए तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट दे शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री. देन दे हैव अ ड्यूटी टू पार्लियामेंट टू अकाउंट एंड टू बी हेल्ड टू अकाउंट फॉर द पॉलिसीज डिसीजंस एक्शंस जो भी उनके डिपार्टमेंट्स एजेंसीज ले रही हैं. तो ये आप लिस्ट आउट करेंगे कि ARC ने बोला है. देन दे मस्ट इंश्योर नो कंफ्लिक्ट अराइजेस, कि कोई भी जो है मतभेद नहीं होना चाहिए, और अपीयर्स टू अराइज बिटवीन देयर पब्लिक ड्यूटीज एंड देयर प्राइवेट इंटरेस्ट. क्योंकि देखो प्राइवेट इंटरेस्ट जो है वो अलग है और पब्लिक ड्यूटी आपकी अलग है, इनके बीच में ओवरलैप ना हो तो बेटर है पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए. देन दे मस्ट कीप सेपरेट देयर रोल्स एज मिनिस्टर्स एंड कंस्टिट्यूएंसी मेंबर, कि जरूरी नहीं है कि कोई जो मंत्री है उसकी कंस्टिट्यूएंसी को डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा पहुंचाया जाए. राइट, दैट शुड बी केप्ट सेपरेट. फिर इसके अलावा दे मस्ट नॉट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर देयर पार्टी और फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पसेज, कि सरकार की जो स्टेट मशीनरी है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वो सिर्फ सरकारी पर्पसेज के लिए, पब्लिक वेलफेयर पर्पसेज के लिए, अपनी जो उनकी गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है या गवर्नमेंट में होते हुए, सरकारी पदों पे रहते हुए, संवैधानिक पदों पे रहते हुए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको उनके निर्वाह के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, चाहे पार्टी से रिलेटेड हो, पोलिटिकल पार्टी से या फिर अदरवाइज. राइट, देन यू विल से अगली रिकमेंडेशन कि मिनिस्टर्स मस्ट अपहोल्ड द पोलिटिकल इम्पार्शियलिटी ऑफ द सिविल सर्विस, क्योंकि सिविल सर्विस जो है दे एक्ट इन you can say hand in glove, या फिर कह लो they act in very close vicinity with the permanent the ministers, right? The ministers act in close vicinity with the administration, the bureaucrats. तो civil servants के साथ जो है वो ensure करें कि political impartiality रहे, किसी भी तरीके का partisanship जो है वो ना derive करने की कोशिश करें, which is benefiting you know one party. So that should be apolitical. Then they must comply with the requirements with the 2 houses of parliament laid down from time to time. के parliament जो भी laid down करे उस चीज को ये follow करें समय 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 से समय समय पे. Then recognize that misuse of official position or you know it is violation of trust reposed in them as public functionaries. देखो these public of you know these public functionaries they are under oath. They are under oath of the constitution. तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे कोई भी वायलेशन ना करें उस ओथ का जो उनके पब्लिक फंक्शनरी की डिजिग्नेशन को डिमीन करता है या फिर कह लो डेनिग्रेट करता है या फिर इट यू नो अमाउंट्स टू अनबिकमिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. देन दे मस्ट इंश्योर दैट पब्लिक मनी आर यूज्ड विद अटमोस्ट इकोनॉमी एंड केयर, कि भाई जो बजट है या जो भी पैसा आप लेके आ रहे हो वो आप प्रूडेंटली यूज कर रहे हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपके पास एलोकेशन है तो आप उसको कहीं भी अनाप शनाप खर्चे के लिए यूज कर सकते हो. देन मिनिस्टर्स मस्ट फंक्शन इन सच अ मैनर सो एज टू सर्व एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जो हमारा यहाँ पे GS2 का हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पेपर में आपसे पूछा गया, तो आपको ये बताना भी जरूरी है एज पर दी ARC. ठीक है जी. देन दे मस्ट एक्ट ऑब्जेक्टिवली, इम्पार्शियली, ऑनेस्टली, इक्विटेबली, डिलीजेंटली, इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर. दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड दिस पोर्शन ऑफ योर आंसर.
देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट से आप जाएंगे कि ये सिर्फ एक देखो स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर इंश्योरिंग गुड कंडक्ट बाय द मिनिस्टर्स, लेकिन इट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है कोड ऑफ एथिक्स की भी बात करें, राइट? तो आप बोलोगे कि इसीलिए इट इज नेसेसरी दैट इन एडिशन टू द कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास एक कोड ऑफ एथिक्स जो है वो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए कि मिनिस्टर जो है वो कैसे अपनी पब्लिक ड्यूटीज को हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स के साथ और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ उसका जो है निर्वाह करेंगे, राइट? सो इन दैट यू विल कम अप विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द एआरसी रिपोर्ट इटसेल्फ, जहां पे कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई है। और कोड ऑफ एथिक्स में क्या बोला गया है कि देखो डेडिकेटेड यूनिट्स होने चाहिए, पहली बात तो देयर शुड बी कोड ऑफ एथिक्स टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ मिनिस्टर शुड अपहोल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। दूसरा कि डेडिकेटेड यूनिट्स होने चाहिए सभी ऑफिसेज में, इन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एंड इन द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। और ये क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे कि क्या जो है वहां उन दफ्तरों में, उन सरकारी ऑफिसेज में कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट जो है वो ऑब्जर्व करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे। एंड ऑल्सो दीज शुड बी एम्पावर्ड, कौन ये डेडिकेटेड यूनिट्स, ये इनके पास पावर होनी चाहिए कि अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है देन दे कैन मॉनिटर दैट वायलेशन, दे कैन रिसीव पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायलेशन। देन द प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर शुड बी ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर द ऑब्जर्वेंस। देखो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है आपका, चाहे राज्य की बात हो चाहे देश की बात हो, है ना, रिस्पेक्टिवली द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, दे शुड बी ड्यूटी बाउंड कि वो ऑब्जर्व करवाएं इस चीज को। हाईएस्ट ऑफिसेज से अगर कोई डायरेक्शन होती है या अगर हाईएस्ट ऑफिसेज से जो लोग बैठे हैं ऑनरेबल, चाहे हम सीएम की बात करें या फिर ऑनरेबल पीएम की बात करें, तो अगर वो इस चीज किसी भी चीज को सीरियसली लें तो नीचे सरकार में मैसेज आता है कि भाई इसको फॉलो करना है, इस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। सो दैट इज वेयर द सिग्निफिकेंस लाइज, राइट? एंड लास्टली यू हैव एन एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट जो है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें विच इज द यूनियन लेजिस्लेचर, चाहे हम राज्य की बात करें जहां पे विधानसभा विच इज द स्टेट लेजिस्लेचर, उसको ये रिपोर्ट सबमिट की जाए ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज कोड्स। और ये जो है पब्लिक डोमेन में रखा जाए, क्या कोड ऑफ एथिक्स भी, कोड ऑफ कंडक्ट भी, और ये जो रिपोर्ट है इन सभी को पब्लिक डोमेन में डाला जाए ताकि लोग भी इसको देख सके, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल कंक्लूड द क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू गेन्ड एंड यू लर्न समथिंग, ठीक है जी? चलिए, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को, और आपका एग्जाम बढ़िया हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड बाय।